અલો બાપ ને પૈસા દે, દિવાળી નથી કે ન પૈસા લેવાના.
Tukung su, jadi aku salam pun dia jawab kiai. Formula keren kakak. Apa loh mara tapno sih, mara nomor tiga sih. Padahal mara formula tamunya umur udah tiga sih. Apa loh mara tapno sih, mara nomor tiga sih. Tamunya jual loh, tamunya jual loh, tamunya wakil pas jen jual loh. Jelas jadinya sih kau cuma mengharus nggak boleh sih. Karena kita mau pesan kau lagi tidak sih. आओ तो तमे एक बड़ा कारण गनी न बताई आओ तो हमारा जोंबू गोरा में अंदर किल्ला मुंखा जमीन में खाए गया ये उन्होंने ऐसी खाती तो उकारो न था दालो दालो है जगरा खत्म करो अपने शेख सौदान पक गई है Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohtaram dosto aur buzurgon, aaj jo humne hamare samne ye do mamle dekhe, isme se humne ek suna ki ek aadmi apni keemti daulat baghair kisi tahqeeq ke kisi aadmi ko de deta hai, ya bharosa karke ki aadmi mehnat karega, kamayega aur humko baithe baithe nafa dega, aur phir ummeed bhi ye karta hai ki sirf nafe mein bhagidar, kisi kism ke nuksan mein bhagidar nahi. तो सुन लीजिए कि इस जमाने के एक जबरदस्त फकीर शेख अब्दुल हमीद महमूद ने अपनी किताब अल हुकुल हनफी फी थौब अल जदीद में लिखा है अल वदीअतु अला कदर अल माल यानी अल मुसरारु फी शिरकत अला कुल्ली वाहिद मिनहुमा बिकदर माली फइन कान मालुहुमा मुतसाबिन फिल कदर फल मुसरारु बैनहुमा नसबाइन व इन कान अथलाता फल फल वदीअतु अथलाता ला नअलमु फी हादा खिलाफन बैन अहलि अल इल्म وبه يقول ابو حنيفه والشافعي وغيرهما इसका मतलब यह है कि भागीदारी में नफा और नुकसान या तो दोनों के माल के मुताबिक होता है या जैसी शर्त लगाए वैसी और अगर एक का माल और एक की मेहनत हो तो जिसका माल होता है उसको ही पूरा खसारा यानी कि खोट उठानी पड़ती है लेकिन हमारे यहां तो लोग उसका उल्टा करते हैं कि नफे में तो भागीदार बनते हैं लेकिन नुकसान में भागीदार नहीं बनते तो याद रखो इस तरह के कॉल करार करना शरीयत का गुनाह है और इस तरह हर महीने एक मुतअय्यन मिकदार में नफा की शर्त लगाकर नफा हासिल करना ये सूद है ये ब्याज है इसलिए कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफअतन फहुव रिबा कि हर वो कर्ज जिससे नफा हासिल किया जाए वो सूद है वो ब्याज है और दूसरी बात आमतौर पर जो बुराइयां पाई जाती है आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसे वाकयात बहुत सी मरतबा पाए जाते हैं कि लोग मुसलमान बगैर तहकीक के महज नफे की शर्त पर ऐसे धोखेबाजों को अपना कीमती माल अपने दी बच्चों के मुंह से निकाल कर दे देते हैं और फिर ये धोखेबाज चंद महीनों तक उन्हीं के माल में से उनका नाम रख कर कुछ पैसे लौटाते हैं और बाकी पैसे लेकर भाग जाते हैं ऐसे वाकयात हमारे सामने बार बार पेश आते हैं फिर भी हमारी बिरादरी इससे इबरत हासिल नहीं करती हालांकि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु ला युल्दाउ मिन जुहरि वाहिद मरतैन के मोमिन एक भी तरह दो मरतबा कभी धोखा नहीं खाता लेकिन अफसोस कि हम पैसों की लालच में आकर शरीयत को पीछे डालकर हमारा कीमती माल ऐसे धोखेबाजों को देकर हम बर्बाद कर देते हैं और वो जो गुजराती की कहावत है उसके मिसदाक बन जाते हैं कि चाहे रुपया हो चाहे दूधारा भूखा न मरे दूसरी बात यह है कि आजकल लोग उधार लेकर एक तो वक्त पर पैसा नहीं देते बल्कि अंतर्मी और जुल्म ये हो गई कि एहसान करने वालों के साथ लोग लड़ने के लिए और मारपीट करने के लिए खड़े हो जाते हैं हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुरान मजीद में फरमाया वाउफुल अहद इन्नल अहद कान मसूला ये मतलब यह है कि अपने अहद और वादे को पूरा करो इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इसके मुताबिक पूछ होगी और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु इदा वअद वफा वल मुनाफिकु इदा वअद खाना कि मोमिन वो है कि जब वो वादा करता है तो वक्त पर पूरा करता है और मुनाफिक वो है कि जो वादा करता है तो पूरा नहीं करता इसलिए मेरे मोहतरम दोस्त और बुजुर्गो हमें चाहिए कि हम आमतौर पर जो बुराइयां समाज में पाई जा रही है जो हकीकत बहुत बड़ा गुनाह है इससे हम सबको बचना चाहिए
और ऐसे धोखेबाजों के हवाले हमारा कीमती माल देकर हमें अपना कीमती माल बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो तुम सब उस पर अमल करोगे अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।